आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। दुनिया भर की वो इमारतें जो हैं बेहद जिद्दी, इमारतें जिनकी जिद के आगे सरकारों ने टेक दिए घुटने। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं मेल हाउस की। मेल हाउस उन घरों को कहते हैं जिनके मालिक अपने घर को किसी अन्य निर्माण के काम के लिए तोड़ने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि वो उस जगह से दूसरी जगह विस्थापित नहीं होना चाहते। यानी आसान भाषा में कहें तो ऐसी इमारतें जो किसी बड़े निर्माण के बीच में खड़ी हैं। ये ऐसे घर हैं जिनके मालिकों ने न तो सरकार से मुआवजा लिया और ना ही अपने मकान को हाईवे या दूसरे निर्माण के लिए दिया। आज तस्वीर कुछ ऐसी है कि कोई मकान हाईवे के बीच में खड़ा है, कोई फ्लाईओवर के नीचे, तो कोई दो बड़ी बिल्डिंगों के बीच मौजूद है। चलिए अब आपको कुछ ऐसे ही जिद्दी घरों की तस्वीरें दिखाते हैं। मेल हाउस की बात करें तो इनकी सबसे ज्यादा संख्या चीन में है। चीन के कई प्रांतों में ऐसे घर मौजूद हैं जो हाईवे, रिंग रोड या किसी बड़े निर्माण के बीच में खड़े हैं। हाईवे के बीच में खड़ा ये घर चीन के गुआंगडोंग शहर में है। चीन में ही एक व्यक्ति ने अपने परिजनों की कब्रों को सुरक्षित रखा और चारों ओर सरकार ने निर्माण कराया, पर इस आदमी ने अपने परिजनों का छोटा सा कब्रिस्तान सरकार को नहीं दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जब ट्रंप हाउस बनाया तो उसके बीच में एक मकान बिकने को तैयार नहीं हुआ। आज ये मकान ट्रंप हाउस के बीच में फंसा हुआ है। अमेरिका के सिएटल में ये घर भी दो मॉल के बीच में बना, यहाँ भी मकान मालिक ने अपना घर नहीं बेचा और मॉल के मालिक को इस घर के चारों ओर अपना मॉल खड़ा करना पड़ा। मेल हाउस की ऐसी ही तस्वीरें पोर्टलैंड, टोरंटो, फ्रांस समेत कई देशों में देखने को मिलती हैं। यहाँ भी मकान मालिकों ने न अपनी प्रॉपर्टी बेची न विस्थापित हुए और वो आज भी वहीं पर डटे हुए हैं जहाँ थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।